아동 내신부 난리도로 리스 이스들이 가야 하는 사표 가야 하는 사이토 정말 뒤집어 사이토 스킨지 안 받지 않아 하동 रोना मत आप धीरज रखिए उसे कुछ नहीं होगा उसे कुछ नहीं होगा मैं बोल रही हूँ ना सिस्टर मैं अपनी बिटिया से मिलना चाहता हूँ आईसीयू में भेजकर 20 मिनट ही हुए हैं अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता आप जरा तसल्ली रखिए स्टूडेंट्स जीवन और मृत्यु से लड़ने वाली इस स्कूल की लिया के लिए हम सब लोग सच्चे मन से आज प्रार्थना करेंगे हे मेरे पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना अवश्य सुने आज सुबह हमारे इस स्कूल के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली हमारी लिया को सकुशल आप हमें लौटा दें आंटी बेटी हमारे लिया बेटी को आंटी आप घबराइए मत उसे कुछ नहीं होगा क्या हुआ सिस्टर स्कूल बस ने टक्कर मारी वो किसी से मिलने के लिए रोड पर दौड़ कर आई और फिर ड्राइवर की लापरवाही इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ हे गॉड लिया दीदी की रक्षा करना कौन है मीनाक्षी सिस्टर मेरी बेटी कैसी है कुछ बोल नहीं सकते वो बोल रही थी कि वो मीनाक्षी से मिलना चाहती है मैं हूँ मीनाक्षी क्या मैं उससे मिल सकती हूँ मैं भी आऊंगी मैं उसे मिलना चाहती हूँ मुझे उसे देखना है सब लोगों को अंदर नहीं भेज सकती वो जिससे मिलना चाहती है उसे पहले मैं अंदर भेज रही हूँ ऐसा मत कहो लिया से मिलना है मुझे प्लीज मुझे जाने दो आइए आप आइए 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 आपको संभालिए मरीज भी है भगवान पे भरोसा रखो हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा Thank you.
पढ़ने के लिए जा रहे हो या पूरे स्कूल की सफाई करने के लिए? तुम्हें समझाते समझाते हार चुकी हूँ मैं। आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर कल भी दोहराया तो तुम्हारी ये माँ तुम्हें बर्गर और चॉकलेट नहीं खरीद कर देगी, समझे तुम? सुन लिया? जाकर गाड़ी में बैठो। कहीं तुम्हारी सेहत खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें पिकअप और ड्रॉप भी करती हूँ, लेकिन कल से तुम पैदल ही आना। स्कूल बस जो है ना, किस लिए स्कूल बस को खराब करने में तुले हुए हो? मैडम, ये आईडी कार्ड पप्पू का है, वहाँ से मिला है ये। अच्छा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। क्लारा आंटी, जाने से पहले पप्पू के स्कूल बैग को डेटॉल से धो देना, वरना सारा घर बर्बाद हो जाएगा। काफी देर से इंसल्ट कर रही हो तुम, मेरा दिमाग खराब मत करना। सॉरी बेटा, अनजाने में निकल गया मुंह से, जाओ जाकर नहा कराओ। ये हुई ना बात। तुम कहाँ पहुँचे? On the way, darling. कुछ लाऊं क्या? नहीं, वो नहीं, आज किसी पार्टी की बात कर रहे थे ना, तुम नहीं जा रहे हो? घर आकर फ्रेश होके जाऊंगा। आज तुमने पते की बात बोली है, वैसे वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगी ना? सुधीर, ये लो चाय। वहाँ रख दो। जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी। अरे कहाँ जा रही हो? पप्पू ने अभी तक होमवर्क नहीं किया, उसे भी तो पढ़ाना है ना। उसका होमवर्क है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वो सिर्फ मेरा ही बेटा है ना, वो फेल हो जाए या पास, उसे तुम्हें क्या लेना देना। ओ माय डार्लिंग, तुम कुछ भी कर लो। तुम्हें हमेशा मजाक सूझता है। क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स लिए तुम्हें पता है? 21। ओ, ये बात है। बहुत उछलना मत, 100 में 21। वो छोटा बच्चा है, उसे आराम से पढ़ने दो ना। बड़ा होता ही एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई लिखाई के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हारे इस तरह माता पच्ची करने से कोई फायदा नहीं है। समझाने से तुम नहीं समझोगे, उसके लिए तुम्हारे भेजे में कुछ होना चाहिए ना। सच यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। पार्टी के लिए जाना है ना, जाओ जाकर नहा कराओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे पप्पू, तुम्हें समझाते समझाते मैं हार गई। तो फिर तुम ही लिखो ना। लिखो, तुम जल्दी लिखो। समझते भी नहीं हो। सुधीर जरा रुको। क्या बात है, आज ये टी शर्ट पहनी है? इसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन इसे उतार दो। अरे मेरी मीनू, आज की पार्टी के लिए यही काफी है। नहीं, तुम इसे बदलोगे, जरूर बदलोगे। चलो, मैंने कहा ना बदलोगे, चलो मेरे साथ। टाइम हो रहा है। मैंने कहा ना, ये तुम पर जचती नहीं है, तुम कुछ और पहन लो। मीनू प्लीज, मुझे यही पहनने दो ना। तुम इसे बदल लो ना सुधीर, इसमें तुम जोकर लग रहे हो। तेरा हाल बेहाल है बेटा, एक दिन तुझे रुला के रहूंगा। हाँ, मिल गई ना। हाँ, जल्दी लो। ये लो, इसे पहन लो, इस शर्ट में तुम बहुत हैंडसम लगोगे। इस कलर में? हाँ, इस कलर में क्या खराबी है, अच्छा कलर है ना। मीनू, लो जल्दी पहनो, पार्टी का समय हो रहा है ना। अब समझ गया, बहुत सारी लड़कियां होंगी ना वहाँ पे, कहीं कुछ और हो गया तो, है ना? हाँ, शायद ये वजह भी हो सकती है सुधीर। वैसे तुम्हें सलाह देने वाली मैं कौन होती हूँ भला। और भूल से ये भी मत समझना कि तुम्हारे मामले में पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी पसंद की शर्ट पहनो,
मर्जी तुम्हारी है। दिल मेरा मत तोड़ यार। छोड़ो भी, तुम्हारी पसंद की शर्ट पहनी है ना मैंने, ये देखो कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। आखिर तुम्हारा पति देव हो ना। सुधीर तुम्हारा मूड आउट हो गया है क्या? पता है बेटे, पिछले 6 साल से तेरी इस माँ को झेलते आ रहा हूँ मैं। ये बताओ इस शर्ट पे कैसे लग रहा हूँ? सुपर। करेक्ट। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी। हाँ लेकिन 4 पैरों में चलकर मत आना तुम। ब्रांड बदलने का प्रयास करूंगा। अरे पप्पू तुम बैठ कर लिखो ना। लिख लूंगा। खुद भी नहीं पढ़ता है, हम पढ़ाए तो समझने की कोशिश भी नहीं करता है। हाँ मीनू। सुधीर तुम बिजी हो क्या? क्या बात है जल्दी बोलो ना। सुनो पप्पू की ही बात है, आज उसके स्कूल में पीटीए मीटिंग है। पता है हम दोनों को प्रेजेंट होने के लिए प्रिंसिपल ने बोला। अच्छी है। बात है। लेकिन मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है सुधीर, किसी भी तरह से तुम्हें ही जाना होगा। मैं कैसे जा पाऊंगा, तुम कुछ ना कुछ करो। अच्छा जैसे वो सिर्फ मेरा बेटा जो है। बेकार में आर्गुमेंट छोड़ के कुछ करो भी डार्लिंग। सुधीर के बिना मैं प्रिंसिपल के सामने कैसे जाऊंगी? ओ अब तुम्हें वक्त कैसे मिला, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है ना पप्पूस। ये बात पहले बता दी होती तो मैं नहीं आती। हाँ अगर यहाँ नहीं आया तो रात को तुम मुझे मार देगी ना। मीटिंग शुरू हो गई होगी तो फिर चलो, वी विल गो। हंसना मत। ये जिसे स्कूल बोलते हैं ये केवल विद्यार्थियों का ही नहीं है, इसमें माता पिता और टीचर्स उन सबके द्वारा एक साथ आगे ले जाने वाली संस्था है। ये बच्चों को समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पाल पोस कर बड़ा करना टीचर्स की तरह माँ बाप का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। एक 5 साल के बच्चे को अक्षर व प्रतियोगिता की दुनिया में छोड़कर भागने वाले माता पिता को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे का मानसिक और शारीरिक समस्या को एक टीचर से ज्यादा उस नन्हे मुन्ने बच्चे के माँ बाप ही जान पाएंगे। व्यस्त जीवन और पति पत्नी काम पर जाने वाले, दोनों के पास गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन दोनों माता पिता एक साथ स्कूल में उपस्थित होकर बच्चों के बारे में पूछताछ करते हुए मैंने कभी देखा नहीं। दोनों माता पिता बहुत व्यस्त रहते हैं और फिर अंत में मुझे या टीचर को दिखाने के लिए दोनों में से कोई भाग कर आएगा। जीवन में समान भागीदारी के साथ मृत्यु तक जीने वाले दंपति वैसे देखा जाए तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन अपने बच्चों के मामले में कोई ठोस कदम ना उठाकर इस समाज के जो भी माता पिता है उन्हें मनमानी करने के लिए छोड़ देते हैं। आज यहाँ कितने माँ बाप एक साथ आए हैं, जरा हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए ना। हाथ नीचे करो, सब लोग देख रहे हैं। इनसे सबक लीजिए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और पत्नी एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में सीईओ के पद में कार्यरत है, फिर भी दोनों अपने इकलौते बेटे की खातिर यहाँ दौड़ा चला आया। उनके बेटे को पूरे 1 साल हो चुका है इस स्कूल में भर्ती होकर। प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर। वैसे सीनियर सेक्शन की मीटिंग दूसरी क्लास में है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। प्लस टू में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को भी इतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के माता पिता को है। इस तरह के माता पिता से हर एक को सबक सीखना चाहिए। अनजाने में हम लोग एक साथ पहुंच गए, इसलिए हिट हो गए। हमारी जोड़ी हिट हुई ना। अरे एलियास भाई यहाँ कैसे? मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ रही है, फीस भरनी है, हाफ डे की छुट्टी पर हूँ। तो क्या स्टूडेंट्स का ख्याल रखना माता पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य जो है, तो ही बच्चों के भविष्य को संवार पाएंगे आप। मीनू एलियास भाई है, ये डैड के जमाने से काम कर रही है, कुछ साल पहले हमारे चेन्नई ब्रांच में थे, अब यहाँ के 1 साल हो गया ना? जी साहब 1 साल हो गया है। ये है, पता है आपकी शादी में मिला था, शायद भूल गई हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ओके ओके नमस्ते।
नेक इंसान है और बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हारे लिए तो सब अच्छे ही हैं। लोगों पर ज्यादा भरोसा मत करना। फिर भी अपनी बेटी को यहाँ पढ़ा रहे हैं मेरी दी हुई तुच्छ पगार से। हमारे बेटे की तरह नहीं, अच्छा पढ़ने वाली लड़की होगी वो। हाँ चलो। मीनू डियर, इस तरह उदास क्यों हो तुम? पप्पू ने तुम्हें कुछ बोला क्या? या तुम कल अपनी माँ से मिलना चाहोगी? ओह मेरी मीनू डार्लिंग, कुछ बोलो ना, बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हें? बेकार में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ भुलाना बहुत आसान बात क्या है। क्या भुलाया मैंने? सोच के देखो तुम। वहीं रुको, आखिर इस तरह मुझे झटके क्यों दे रही हो? क्या बात है बताओ ना। कल क्या विशेषता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या विशेषता है? साधारण दिन बुधवार, फरवरी 5 तारीख, वो कोई साधारण दिन है क्या? तो क्या हुआ? मीनू मीनू, ये क्या बेटी, आज ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं आज छुट्टी ले ली। माँ बता रही थी कि तुम नहीं जाओगी। बेवजह चिंता करना छोड़ दो, ये सब क्या है बेटी? ईश्वर हमें जो दे रहा उसे स्वीकार करो। 6 साल बीत चुके हैं। एक काम करो, मेरी बिटिया मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, जाओ। हाँ खैर कोई बात नहीं, मैं क्लारा के यहाँ से चाय पी लूंगा, अब क्या करूं? नहीं मैं लाती हूँ। मीनू क्या कर रही हो, कुछ तो बोलो ना। मैं कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ सुधीर। फटाफट रेडी हो जाओ, पप्पू को स्कूल से पिकअप करते हैं, उसके बाद एक आउटिंग। मैं नहीं आती, मुझे छोड़ दो ना। मीनू मेरी बात मानो ना। मैंने बोला ना मैं नहीं आऊंगी। कुछ मत बोलना, मैं भी पहुंचूंगा। ओके अरे कुछ ना कुछ बोलो ना डार्लिंग। डैडी आए थे। ए? क्या बात है? अच्छा ये बताओ तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या लाए? कंचे लाए थे वो। ओ हैप्पी हो गई ना, बलराम शर्मा की बेटी मीनू हैप्पी हो गई। देखो पप्पू हमारे लिए कौन है जो इस तरह फल वगैरह लेके आते हैं? मेरा एक बाप है जो एक गाय का घी पिलाता है मुझे। तेरी तो? सर मैं अभी कॉर्पोरेटिव हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हमारे इलियास भाई को दिल का दौरा पड़ा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? इलियास भाई को दिल का दौरा हुआ, वो हॉस्पिटल में है, हम दोनों को जाना होगा। अरे उठना मत, लेटे रहिए, कुछ नहीं होगा, धैर्य से रहिए। हमें मेरे साथ चलना। मीनाक्षी हो ना? हाँ। सुना है तुम्हारे बारे में। डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ साफ साफ नहीं कहा, बोला कि ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। तुमसे मिल चुकी हूँ मैं। जानती हूँ। एग्जाम करीब है ना? जी हाँ। इलियास भैया हम दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी है, वी आर फ्रेंड्स। इलियास भाई हम चलते हैं, जो भी चाहिए तो बेझिझक बोलिए,
हमीद यहीं अस्पताल में ही होगा। और बी हैप्पी, सोच लीजिए कि कुछ दिन आराम करने के लिए एक मौका मिल गया। एक जरूरी बात मुझे आपसे करनी है सुधीर साहब। चलो बेटे, हम लोग बाहर चलते हैं। चलो। क्या है, क्या है लेस भाई, बोलिए। इस रात से मुझे बहुत डर लग रहा है सर। किस लिए? एक तरह का डर, न जाने क्यों मन में बस गया है। इर्द गिर्द के लोगों से मुझे और भी डर लग रहा है। मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? किस लिए बेकार की बातें सोच रहे हैं आप? सीने में ही दर्द हुआ है ना, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नहीं साहब, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी लिया, यही मेरा कुटुंब है। इसके अलावा मेरा अपना कोई भी नहीं है। मेरी बेटी लिया का भविष्य कहीं अंधेरे में न गुम हो जाए। सर, एक उपकार कीजिए मुझ पर। उसे आप मेरे साये से दूर रखिए, और वो मैडम ही कर सकती हैं। ये क्या है सर? प्लीज कोई बहाना मत बनाइए। सर मैंने कहा ना, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। सर। इलियास भैया आज्ञा दीजिए। अच्छा अब हम चलते हैं। सुनो, घबराना मत, ठीक है? आओ। सुधीर बेचारी बहुत भोली है ना, एग्जाम करीब है। उस बेचारी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर बहुत दुख हो रहा तो साथ ले चलो। प्रॉमिस? मैं बुला लूंगी। बुला लो ना। क्या आएगी? क्या अच्छी बात है, मैं उसे अपने पास बुला लूंगी। मीनू सुनिए। हाँ? एक खास बात करने के लिए यहाँ आई हूँ मैं। आपको एतराज नहीं तो आपकी बेटी को मैं ले जाऊं क्या? बुरा मत मानिए, इसका एग्जाम भी करीब है। हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में आप बिल्कुल चिंता मत करें, ख्याल मैं रखूंगी। अफो, ये सब क्यों? मैडम प्यार से बुला रही है ना, वो कोई अजनबी तो नहीं, सुधीर साहब की पत्नी है ना। नहीं जाऊंगी मैं। इस तरह मत कहो बेटी, जरा मेरे पास आओ। आओ, तुम अवश्य जाओगी। आप क्या बोल रहे हैं? तुम बीच में मत बोलना, सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम्हारी भलाई के लिए वो तुम्हें अपने घर में बुला रही है ना, तुम्हें जाना होगा। आओ उतरो। आओ भी। हाँ, बैग लाना भूल गई। हाँ, येलो बैग। थैंक्स। इट्स ऑल राइट। अरे चलो तुम लिया। हाँ? ये बेडरूम तुम्हारा है, ठीक है? तुम्हें पसंद आया कि नहीं? अरे बैग यहाँ लाओ ना। आओ, ये है बाथरूम। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर सब कुछ है, जो चाहो यूज कर सकती हो। अब मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे पप्पू से लड़ाई जो होने वाली है। एक नंबर का आलसी है वो, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ओह, तुम्हें देने के लिए ड्रेस भी नहीं है। एक मिनट, जरा मुझे देखने दो। अगर तुम्हारे नसीब में लिखा है तो जरूर ड्रेस मिल जाएगा। हाँ, ये कैसा है देखो तो। हाँ। छोटी बहन आती है तो यही पहनती है, शायद तुम्हें फिट हो। हाँ। पहन के देखो, फटाफट फ्रेश होकर आओ, भोजन भी तो करना है। ओके। Thank you.
हे भगवान, लगता है क्लारा आंटी पर किसी ने काला जादू जरूर किया है। जब भी देखो यही, कोई गेस्ट आए तो इनके भरोसे कैसे खाती दाली। थैंक गॉड, अब तसल्ली मिली। ओके अमित, मैं बुलाता हूँ। ओके, सुनो लिया, डरने की कोई बात नहीं। हॉस्पिटल से फोन आया था, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कल सुबह ही डिस्चार्ज होने वाले हैं। अब तो खुश हो ना दीदी? जरा फोन देना मुझे, मम्मी से बात करना चाहती हूँ। नंबर बताओ। 9841295575। हाँ, रिंग जा रही है, लो। ये किसका नंबर है? मीनाक्षी दीदी का है। पापा की तबीयत कैसे है? वो ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं, कल डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने बोला है। हमने इसलिए तुम्हें वहाँ भेजा, और फिर उनकी बात को टालना अच्छी बात नहीं होती। और तुम्हारे पापा राजी भी हो गए। कोई बात नहीं मम्मा, कल स्कूल खत्म होते मैं पहुँच जाऊंगी। मीनाक्षी दीदी ने मुझे बहुत ड्रेस दिए हैं। ठीक है, देख कल स्कूल के बाद यहाँ आना। ठीक है मम्मा। और मम्मा, ये बहुत बड़ा घर है और बहुत कमरे भी है यहाँ। लिया, बस ये बताओ, यांग का फूड अच्छा लगा क्या? हाँ, अभी खाना परोसने वाली हूँ ना। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जब हम दोनों की शादी हुई थी तब दहेज के रूप में इनके पापा ने क्लारा को मेरे हवाले कर दिया। ऐसी अच्छी महिला कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, जो माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वो अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं, उस बारे में सोचकर दुखी मत होना। मगर मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ? सुधीर, नहीं, तुम खाना खाओ, हम लोग तो बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं, समझी? खाओ भी। हम बस और थोड़ा। खाओ ना, अरे बदतमीज, खाओ ना। खा लूंगा, तुम डरना मत। हाँ, क्या सोच रहे हो सुधीर? सोच रहा हूँ कि बाथरूम जाऊं, पता नहीं क्या हो गया, गैस की प्रॉब्लम जो हो गई। वो तो आम बात है, लिया के बारे में तुम्हारी क्या राय है यही पूछ रही थी। क्या कहूँ, बेचारी। हाँ बेचारी है वो, न जाने उसे देखकर मेरे दिल में प्यार आ गया। सुधीर, सुधीर, क्यों ना हम उसे यही रखकर पढ़ाते हैं? तो क्या हुआ, पढ़ा लो ना। है? अरे नहीं नहीं, क्यों मीनाक्षी, हम रिस्क क्यों लें? उस बच्ची को यहाँ रखकर पढ़ाने से क्या रिस्क होगा, पप्पू को भी वो बहुत पसंद है। हाँ, वैसे भी लड़के से उसे बहुत लगाव जो है। हाँ, तुम्हारी ब्रीड है ना। इस ब्रीड में क्या खराबी है? हाँ, कोई खराबी नहीं है। दो दिन पहले क्लास टीचर ने एक बात बताई मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में, क्लास की किसी लड़की को उसने आई लव यू बोला है। फिर क्या होने वाला था? आई हेट यू बोलकर एक किताब लेकर उसके सर पे दे मारा। हाँ, बेचारा सारी रात रो रहा था मेरा पप्पू, बाम लगाकर सुलाना पड़ा मुझे। इसकी कोई खबर है तुम्हें? हाँ, अरे तुम कहाँ जा रही हो, रुको ना। सुनो, वो बच्ची सो गई कि नहीं ये देखकर आती हूँ, अभी आती हूँ। क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो?
क्या बात है लिया? मैं सो नहीं पा रही हूँ। वो क्यों? मुझे डर लग रहा है। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, धैर्य से सो सकती हो तुम। घर में मैं माँ के साथ सोती हूँ, आज पहली बार घर से बाहर हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ अकेले मत सो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे साथ, आज मैं सोऊंगी। लाइट ऑफ नहीं की मैंने। सॉरी दीदी। ओके ओके। बाय डैड। बाय। बाय दीदी। लिया वेट। ओके अब ठीक हो गया। थैंक्स। ओके बाय। चलो भी। अब तुम यही सोच रहे होगे ना कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। इसमें सोचने वाली क्या बात है मीनू, ये तो सच बात ही है। मजाक मत करो सुधीर। सुनो वो बच्ची मुझे बहुत भा गई है सुधीर, जरा तुम सोच के देखो, मेरा उस हॉस्पिटल में जाना, उस बच्ची को मेरे साथ छोड़ने के लिए कहना, वो मेरे साथ अच्छी तरह से परिचित भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ भेजने का साहस जो किया ना सुधीर। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ, मेरा उसके साथ कोई ना कोई बंधन जरूर है। राइट, मुझे भी लगा। हाँ तुम्हारे पापा बलराम शर्मा कुछ दिन फोर्ट के इलाके में झींगा का बिजनेस करते थे ना, वही वजह होगी। वो अब क्यों बोल रहे हो? इसीलिए उस बच्ची को देखते ही तुम्हें अपनापन महसूस हुआ। मुंह खोलते ही इस तरह की बातें करते हो, पता नहीं क्या करूं मैं। हंसो मत। चकड़ू। गायत्री। सारी रात इंटरनेट में व्यस्त थी, माँ ने बताया कुछ पढ़ा कि नहीं। शरीर को ज्यादा तकलीफ मत देना, ये लो दीपिका। लव अच्छी बात है, ट्यूशन का बहाना बनाकर थिएटर में जाकर बैठकर तुम्हें अजीब सा मजा मिला होगा, लेकिन इस पेपर में जो लिखा है उसमें कुछ मजा नहीं है, समझी? ये लो। थैंक यू मिस। अश्विन आओ आओ। देखो मोबाइल में सेक्स मैसेज क्रिएट करते समय अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत अकलमंद जो हो। तेरे कई सारे सेक्सी मैसेजेस मेरे पास भी हैं। थैंक यू। लिया ये देखो, इस पेपर को देखो, फुल मार्क्स। लिया के माँ बाप बहुत ही गरीब हैं और बहुत कष्ट उठाकर इसे यहाँ पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी तरह बेंस कार में नहीं आती है ये स्कूल, तुम लोगों को चर्बी बहुत चढ़ गई है इसीलिए मार्क भी कम लेने लगे हो। इस बार भी लिया ही क्लास में फर्स्ट आई है। गुड। थैंक यू मिस। हेलो सुधीर बोलो। एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी मुंबई में और एक क्लाइंट दुबई से वहाँ पहुँच भी गया है। कब जा रहे हो तुम? 4 बजे की फ्लाइट से। अच्छा तुम बॉम्बे तक जा ही रहे हो, देवयानी आंटी की बेटी डिलीवरी के लिए इस बार गांव नहीं आ रही, वहाँ का हाल चाल पूछ कर आओगे ना तुम? मैं कंपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम क्लारा को फोन करके बोलो कि आज घर मत जाओ। फिर भी देवयानी आंटी की। ओके मैं कोशिश करूँगा। ओके हेलो कौन है? मैं मीनाक्षी हूँ। ओह क्षमा चाहती हूँ मैडम, पहचाना नहीं। आप किस लिए मुझे मैडम कह के बुलाती हैं? मीनाक्षी ही बुलाइए ना। ये क्या बोल रही है आप, नाम से पुकारूं? अगर मुझे नाम से नहीं बुलाया तो मैं फोन तक नहीं करूँगी। खैर इलियास भैया की तबीयत कैसी है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम तो करते ही नहीं है। मीनाक्षी, मीनाक्षी। लिया कहाँ है? यही खड़ी है वो, देती हूँ फोन। ये लो बेटी।
लिया कैसी हो तुम? खुश हूँ दीदी, तुम क्या कर रही हो दीदी? क्या बताऊँ तुम्हें, बस खाली बैठी हूँ। तुम्हारे जीजा मुंबई गए हैं, कल शाम तक आने की उम्मीद है। क्यों दीदी, अकेली हो? क्लारा आंटी साथ हैं। काश तुम भी होती तो कितना अच्छा होता। Now I really miss you। चाहे कुछ भी हो, कल सुबह तक तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। हम भी जरा घूमने जाएंगे। मम्मा को पूछना होगा। मम्मा को पूछ लो ना, अगर नहीं मानती है तो मैं परमिशन दिला दूंगी। मैं बोल दूंगी। तो फिर तुम अब सो जाओ, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। अरे आ आ, फोन से रास्ता बताया और तुम सही सलामत पहुंच गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं। बैठो बेटी। नहीं आंटी, बैठने के लिए समय नहीं है। यहाँ के ट्रैफिक में फंस गए तो टाइम पर पहुंचना मुश्किल होगा। अरे हाँ। एलियस भैया सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं और आप काम पे जा रहे हैं? अच्छे आदमी हैं आप। लेकिन मैं तो रोग से बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ ना। आज आप ऑफिस नहीं जाने वाले हैं। इस तरह मत बोलिए मैडम, आज ऑफिस में बहुत काम है। ये मैडम कह के बुलाना कब बंद करेंगे आप? सुधीर वैसे आपके बॉस हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी मैं लिया की फ्रेंड जो हूँ, इसलिए मुझे घर का सदस्य ही समझ लेना आप। अरे मैं कुछ मत बोलना, मैं हमीद को फोन करके बोल देती हूँ। आज आप नहीं जा रहे हैं। अरे नहीं मैडम। कुछ मत बोलिए, मैं हमीद से बोल देती हूँ। कहा ना? अरे वाह, अच्छी बात है, दीदी के आते ही तुम तैयार हो गई। अभी नहीं जाओगी, पहली बार घर में आई है, एक चाय तो पिलाओ ना। अभी आई बेटी। अरे रे आंटी, चाय की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए, है ना लिया? आंटी कल लीव है, क्या मैं लिया को अपने साथ लेकर जाऊँ? जरूरी है क्या? तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी बातें मत कीजिए, लिया को घर जाने की परमिशन दे दीजिए बस। फिर भी अगर मैडम की इसमें खुशी है तो जाने दो ना। मैडम नहीं, मीनाक्षी। अच्छा अभी हम चलते हैं। ओके आंटी, चलती हूँ। ठीक है, चलो। ओके बाय। चलो भी। पप्पू रुको ना। वड़ी। अरे बेटा मुझे भी एक पप्पी दे के जाओ। क्या जमाना आ गया। ये कौन है? आहा, डैडी आप कब पहुंचे? हाँ थोड़ी देर पहले। तो यहाँ आते फोन किया होता ना। सोचा कि छुट्टी में मौज मस्ती करके आने दो। यहाँ आते ही क्लारा ने मुझे चाय पिलाई और उसके बाद अखबार पढ़ते पढ़ते सोए गया, फिर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनकर जाग गया। अच्छा बंदर भी चलो ना। वो लड़की कौन है? सुधीर की कंपनी में काम करने वाली एलियस की बेटी है, बहुत ही मासूम है। ओ, वो यहाँ कैसे? बस यूं ही, पप्पू के स्कूल में पढ़ रही है। जवान लड़की है वो, ये मत भूलना। अच्छा अब चलूं क्या? इस तरह से जल्दी क्यों जा रहे हैं आप? सिविल स्टेशन जाने के एक काम था, सोचा कि जाते समय तुमसे भी मिलके जाऊं। तुम्हारी माँ को मैंने वचन दिया कि शाम को मंदिर लेके जाऊंगा। अच्छा चलो क्या? हाँ सुधी को मेरा नमस्ते बोल देना बेटी। हाँ बोल दूंगी। अरे वाह, तुम्हें यहाँ काम वाली बाई बनाकर नहीं लाई हूँ। अरे नहीं, इन कपड़ों को अलमारी में रखना कोई काम है क्या? जब तुम्हारे जीजू का मूड अच्छा होता है तो ऐसे कामों में मेरी मदद कर देता है। देखा जाए तो सुधीर बहुत भोला है, मुझ जैसी को झेल जो रहा है। ये क्या दीदी, गर्ल बेबी के कपड़े? बहुत सुंदर है।
इसे छूना मत। हा? किसने कहा इसे छूने के लिए? दीदी मैं बस यूं ही। दीदी छूना मत। अचानक मुझे ये, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। किस लिए रो रही हो तुम? लिया, मुझे पहले बेटा नहीं हुआ था, वो बेटी थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सुधीर को पक्का उम्मीद थी कि बेटी ही होगी, और हम दोनों ने कई खिलौने और ड्रेसेस भी खरीद लिए थे। केवल 4 दिन मेरी बेटी जिंदा रही, उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं। दीदी, दीदी, इट्स ऑलराइट। अक्सर मैं आपा खो बैठती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसी दिन वो मुझे छोड़कर चली गई थी। 7 बरस हो चुके हैं। मैं हूँ तुम्हारी बेटी दीदी, तुम रोना मत प्लीज। लिया, मीनू, आहा, जल्दी जाकर नहा कर आओ, आज स्पेशल प्रॉन्स बनाए। अच्छा? हैं तुम्हारे लिए। अरे लिया तुम यहाँ, तुम्हारी दीदी ने हालत खराब कर दी होगी। नहीं सुधीर, देवयानी आंटी के घर गए थे। हाँ, उनसे भी मिलके आया। लेका बिल्कुल स्वस्थ है और अगले महीने डिलीवरी होने वाली है। वो लोग कुछ वाटर डिलीवरी की बात कर रहे थे। क्या? अरे वही पानी में प्रसव जो होने वाला है और उसकी तैयारी में जुटी हुई है। कंप्यूटर का जमाना है मीनू, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। चल फुट। अरे पप्पूस, ये फ्लाइट तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने मुंबई से खरीदी है। सुधीर, क्या है ये? रासनाटी पाउडर है ये। जलवायु बदल गया है ना। मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? कभी कभार छोटे बच्चों समान हरकत करते हो। फटाफट आओगे तो खाना मिलेगा। लिया खाओ ना। कहाँ हो सुधीर? ये क्या है? नूडल से नई डिश तैयार की है। हंसना मत, इस तरह का खाना ही लिया को पसंद है। इसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। टू इन वन, गुड। हमारी क्लारा आंटी में कोई विकास ही नहीं हुआ है ना, न जाने क्या क्या दिखा रही है, और शाम को 5 बजे घर जाती है। झेलना ही पड़ेगा। हाँ, हमारा बेटा कुछ खा क्यों नहीं रहा? ओ, इसे सूप चाहिए। इस आधी रात में मैं कहाँ जाकर सूप लेकर आऊँ? क्या है लिया? कुछ भी नहीं। कहीं खो गई थी तुम? स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड है क्या? सुधीर चुप भी बैठो ना, वो ऐसी लड़की नहीं है। अब तुम जाके उसकी आदत को बिगाड़ो मत, ठीक है? कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है? उसके बिना सारा घर सोना सोना है, अब उसे जाने मत देना। आपके लिए वो मालिक मालकिन हो सकते हैं और उसका ख्याल भी रखेंगे, न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। मीनाक्षी को बेटियों से लगाव जो है, पहले उन्हें एक बेटी ही पैदा हुई थी और कुछ दिन ही वो बच्ची जिंदा रही,
बेटी की मौत के बाद मीनाक्षी लोगों से बात करना छोड़कर खामोश रहने लगी थी। सुधीर साहब के कहने के बाद ही वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम पर जाने लगी। वो हादसा तब हुआ जब मैं मद्रास की कंपनी में काम करता था। ओफो, बेचारी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए उसके दर्द को समझकर मैंने लिया को उसके पास छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि लिया के बिना घर सूना है, कल वो यहाँ आएगी। पप्पू रुको, बोला ना रुकने के लिए। सॉरी। लिया, जल्दी उठ गई क्या? तुम पप्पू के साथ सो रही थी इसलिए मैंने नहीं जगाया। कल रात को डर कर कहीं तुम रोई तो नहीं ना? नहीं तो। मैं मंदिर होकर आती हूँ, आज माँ का जन्मदिन है। सुधीर को साथ ले जाऊंगी तो मंदिर बंद हो जाएगा, मैं जाकर तुरंत लौटाऊंगी। रेडी होकर रहना, क्लारा आंटी कॉफी बना कर देगी। चलती हूँ। लाओ ना। सॉरी, मैंने सोचा कि मीनू।
लिया, लिया, अनजाने में वो सब हुआ, ये तुम मीनाक्षी से मत बोलना। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो ना? नहीं बोलूंगी। थैंक्स। तैयार नहीं हुए क्या? इस तरह से सोते रहोगे तो और भी आलसी हो जाओगे। कुछ दिनों से मैं भी गौर कर रही हूँ, भोजन कम और नींद ज्यादा। देखा जाए तो ये भी एक बड़ा रोग है। कॉफी क्यों नहीं पी तुमने? एक और बात मैं समझ गई, बाथरूम भी तुम नहीं गए ना? इस आदत को बरकरार रखोगे तो मेरा काम कुछ कम हो जाएगा। माँ के लिए क्या खरीदूं? सारीज तो बहुत हैं, इसलिए नहीं चलिए। इस बार दुकान जाकर एक सलवार कमीज का कपड़ा ही ले लेती हूँ। तुम्हारी राय क्या है सुधीर? जो जी में आया कर लो तुम। अच्छा, लेकिन पिछले जन्मदिन तक माँ के लिए जो भी सेलेक्ट किया वो तुमने ही किया था ना? मीनू प्लीज, मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। घुसेगा नहीं, मेरे घर की बात करते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। एक काम करो, जो साड़ी तुम्हें अच्छी लगे तुम उसे लेना। तो फिर यहीं रोक दो, एक नई दुकान यहाँ खुली हुई है। तुम लिया को घर तक छोड़ आओ ना, इस दौरान मैं मम्मी के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। लिया, घर वालों को मेरा प्यार कह देना। मेरी बहुत इच्छा थी कि गांव ले जाकर तुम्हें अपनी मम्मी से परिचित कराऊं। कोई बात नहीं, आज वीकेंड है ना, फिर किसी दिन। बाय दीदी, टाटा। मम्मी प्लीज प्लीज, तुम इनके साथ जाओ ना। मैं भी आ रहा हूँ। इससे तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अब चलो, मुझे नहीं पता था तुम इतने नालायक निकलोगे। इस तरह घोर के क्यों डरा रही हो तुम? कुछ तो कहो ना। अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए माफी भी मांग ली। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, ये सब सोच कर तुम घर आना बंद मत कर देना। तुमसे मिलकर मीनू बहुत खुश है, जैसे उसके जीवन में बाहर आ गई हो। तुम सब कुछ भूल जाओ।
वन मिनट। अरे मैं तो अम्बेडकर रोड पहुंच गया। अम्बेडकर रोड क्यों पहुंच गए? मैं तो एमजी रोड पे हूँ। मैं अभी पहुँच रहा हूँ वहाँ। जल्दी आओ। आता हूँ, तुम वहीं रहना। हाँ, अगर बुरा न माने तो एक दोस्त भी है। सीधी तरह से चलो, नहीं तो तेरी खैर नहीं। हेलो। हेलो, हु इज दिस? इट्स मी, लिलिया। लिलिया, किसने फोन किया? अरे अरे, कुछ नहीं, यूं ही फोन करने का मन किया। पापा ने ही नंबर दिया मुझे। तुम कहाँ से बोल रही हो? स्कूल के पास एक टेलीफोन बूथ है, वहाँ से बोल रही हूँ मैं। ठीक है, फोन रख रही हो आप? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? प्लीज, आई लव यू। हेलो हेलो, कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम है फोन में, ठीक करने के लिए बोल दिया है। तुमसे किसने कहा कि फोन में कंप्लेंट है? फिर ये क्या है? आईटी पेपर है, साइन चाहिए इसमें। क्या है मीनू? सुधीर, तुमने खाना खा लिया? अरे देवी जी, भूख नहीं है। क्या है? इसमें साइन करना है। क्या है हमीद? छोड़ दो। तुम्हारा वो कहाँ है? काफी दिन हो गए मिलके। हाँ, वो अभी आने ही वाला है। इस बंधन को क्यों आगे ले जा रही हो? तुम दोनों कभी एक नहीं होने वाले। बात सुनो, प्रेम उम्र देखता नहीं, और फिर ये सुंदरता भी बिल्कुल देखता नहीं। प्रेम में एक अजीब सुख है। फेसबुक और गूगल को ना समझने वाली तुम प्रेम को नहीं समझ पाओगी। मैंने तो यूं ही पूछा, दैट्स ऑल। तुम्हें पता है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, तब साजन सिंह मेरे घर के करीब पराठे बनाने के लिए आए थे। मम्मी तो काम पर बिजी होती थी, इसलिए घर में चूल्हा नहीं जलता था। इस तरह होटल में आते जाते साजन सिंह के मोहब्बत के जाल में फंस गई मैं। आज मैं 16 बरस की हूँ और साजन 30 बरस का। और पता है तुम्हें, कई बार हम दोनों एक पति पत्नी के समान। छी, मुझे नहीं सुनना। अभी साजन सिंह अपनी मेहनत की कमाई से एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया और आजकल ऑटो चलाने लगा है। हाँ, बस नाम लेते ही मेरा रोमियो पहुँच गया। देखो, मैं जा रही हूँ। दीदी, क्या कर रही हो? क्या कर सकती हूँ मैं, थोड़ा ऑफिस का काम है जो घर पे कर रही हूँ।
तुमने खा लिया? हाँ दीदी। अपनी माँ से कहना एक दिन मुझे भी खाने पर बुलाएं। कुछ भी हो, आप सबको क्रिसमस के शुभ अवसर में मेरे घर आना होगा। क्रिसमस तक इंतजार करूं? वो बात नहीं दीदी। चीचू सो गए क्या? लगता है सो गए हैं। अगर नहीं सोए तो मेरी तरफ से एक स्पेशल गुड नाइट बोलना। जरूर। सुनिए, लिया का फोन था। इस तरह से चौंक क्यों रहे हो? जरा पानी तो देना। क्या कहा? एक स्पेशल गुड नाइट बोलने के लिए कहा था। बहुत बोली है वो। सुधीर, क्या मैं कुछ पूछूं? क्या है? ये बाल नहीं कटवाना है क्या? कल कटवा लूंगा मैं। वेरी गुड। हेलो, मैं हूँ। पता है, एक बात बताओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? अचानक आपकी याद आई मुझे, तो फोन किया। इसमें क्या गलत है? गलत ही है। पुरानी बातों को भूलकर तुम मुझसे बात करो, तभी मैं तुमसे बात कर पाऊंगा। आज आप पप्पू को छोड़ने के लिए क्यों नहीं आए? मैं वेट कर रही थी। मुझसे डर है क्या? मीनू ड्रॉप करने के लिए गई थी। मैं कभी बोझ नहीं बनूंगी। दूर से बस एक झलक भी देखने का हक नहीं है मुझे, बताइए आप। लिया, ये तुम क्या बोल रही हो? इस सोच को मन से निकाल दो तुम। मेरा दुखड़ा सुनने वाली केवल मीनाक्षी दीदी है, पता है? पर ये सब मैं दीदी से बोल नहीं पाऊंगी ना। ओह नो, पागल मत बनो, ये सब बातें दीदी से मत बोलना। नहीं, मगर आई लव यू, आई लव यू सो मच। हेलो, क्या है? सुधीर, तुम फ्री हो क्या? फ्री हूँ मैं, क्या बात है बोलो। पप्पू की एनिवर्सरी और रेखा का विवाह और फिर कुछ कैजुअल्स। आज मुझे परचेस के लिए जाना है, मैं तो फ्री हो गई हूँ, तुम भी आओगे क्या? सॉरी, मुझे बहुत सारे काम है करने के लिए, तुम्हें जो चाहिए ले लो, और फिर पप्पू को पिकअप करना बोलना मत। आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे मामलों से तुम दूर रह रहे हो। ठीक है, मैं देख लूंगी तुम्हें, फुर्सत हो तो ही आना। क्या बात है मैडम, अच्छे मूड में लग रहे हो। कैसे पता चला? नहीं। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? फ्री हो क्या? हाँ, फ्री हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर तुम इन फाइल्स को क्लोज करके आओ। चलो जाओ, जाओ भी। थैंक्स। ये क्या, यहाँ कैसे? कुछ परचेज करने के लिए आए हो? बस आ गया। ओ, ये बात है, यू आने के लिए ये कोई। सुनो, दौड़ना मत, इसलिए कॉमेडी शो में भाग लूं? 5-6 साल से सिर्फ कॉमेडी तो करती आ रही हूँ। अच्छा, कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ऑलवेज डिस्काउंट देने वाली एक ही शॉप है ये। खिल्ली मत उड़ाना, ठीक है? ये शर्ट तुम्हें पसंद है या नहीं बोलो। हाँ, अरे इस स्कीम के बारे मुझे पता ही नहीं था। दीदी, ये शर्ट कैसी है? हाँ, सुपर है, बहुत खूब। सुधीर पर ये शर्ट जचेगी। मैं साथ लिया को भी लेकर आई। कुछ दिनों से मैं प्लान कर रही थी लिया के लिए भी एक ड्रेस ले लूं। कहाँ है? इसके लिए मैंने एक ड्रेस सेलेक्ट किया था। मीनाक्षी, मीनू, मुझे एक जरूरी काम है, तुम घर पहुंच जाओगी ना? अरे सुधीर, मैं घर पर ही पहुंचने वाली हूँ, जाने की जल्दी थी तो आए क्यों? लगता है कि तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, तुम जाओ, जाते समय लिया को घर तक ड्रॉप कर देना, मेरे आने में देरी होगी। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। दीदी, अगर मैं लेट होगी तो मम्मा मुझ पर बरस पड़ेगी। प्लीज, तुम जरा इसे ड्रॉप कर दो ना। ठीक है, आओ लिया। हाँ,
जो ड्रेस सेलेक्ट किया है काउंटर से ले लेना। बाय बाय जीजू। क्या है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बोलूं मैं तुमसे, मुझे बहुत डर लगता है। मुझसे क्यों डर रहे हो? मैंने अपने दिल की बात तुमसे कही, कहीं वो बात तो नहीं? वो बात नहीं है लिया। ओ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लिया? मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, बेकार में इतना सोचना छोड़ के अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ तुम। क्या मैं एक बात कहूँ? मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और तुम्हें बुलाने मेरी बस की बात नहीं है। नहीं लिया, प्लीज, आई एम अ फैमिली मैन। सुधीर, क्या हुआ, मूड आउट क्यों है? एक चाय मिलेगी? रात में चाय लोगे? ये कैसी आदत है? खैर चाय तो है ना? चाय क्यों, कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या हुआ तुम्हें? कुछ बताओ नहीं, ना? सर में कुछ दर्द है। इस शर्ट का बटन कैसे टूट गया? सुबह ही टूट गया। सुबह तो बटन था ना? तो फिर कभी टूट गया होगा। आखिर ये टूटा कैसे होगा? सुधीर, यहाँ आओ। क्या है? अच्छी शर्ट थी, नया बटन लगा दूंगी, ये लो। आज तक तुमने मुझसे कोई भी राज नहीं छुपाया, मगर लगता है अब तुम कुछ छुपा रहे हो। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, एक दोस्त भी हूं ना? क्यों अंदर ही अंदर घुटकर मर रहे हो? जो भी बात है मुझे बताओ ना। मीनू प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, वजह जानना है मुझे। प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ लिटिल टाइम। तुम कहाँ जा रही हो? अकेले छोड़ने के लिए बोला ना, इसीलिए। सोच लो, सुबह होने तक सोच लो, तंग नहीं करूंगी मैं। मीनू, एक बिजनेसमैन को बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। इस बीच अगर तुम्हें टाइम मिला तो मुझे भी याद रखना। गुड नाइट।
रात भर सोचने के बाद भी तुम्हें कोई जवाब नहीं मिला ना? क्या आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? हाँ, थोड़ी देर के बाद। स्कूल की छुट्टी है और मैंने भी छुट्टी ले ली। मैं घर पे जाना चाहती हूँ। क्यों, तुम्हारे पास फुर्सत है क्या? आज 12 बजे एक मीटिंग जो है, विदेश में ओपन होने वाले एक ब्रांच के बारे में डिस्कशन है। जब मैं घर जाने की बात करती हूँ तो साउथ अफ्रीका और इथोपिया से बहुत सारे लोग मीटिंग के बहाने आ जाते हैं ना। मीनू, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, सच बोल रहा हूँ। तुम पप्पू को लेकर जाओ ना। पापी, पेट का सवाल जो है ना, मैं खुद घर हो आती हूँ, मगर तुम अकेले रहोगे तो चाय तक नहीं मिलेगी। क्लारा आंटी छुट्टी पर हैं। कुछ देर में मैं भी चला जाऊंगा और शाम होते ही तुम भी चली आना। ये इश्क देखकर मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। आई लव यू सुधीर। आई लव यू। आई लव यू सो मच। क्या बात है, घबरा गए तुम? कुछ नहीं। पप्पू, पप्पू तू नहाया कि नहीं? क्या है? अरे वाह, अंदर आने के लिए भी नहीं बोलोगे? तुम काफी बदल गई हो। दीदी कहाँ है? वो पप्पू को लेकर मायके गई है। और क्लारा आंटी? क्लारा आंटी आज छुट्टी पर है। इसमें क्या है? कुछ पकवान है, माने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा, आज छुट्टी ले ली? मम्मा, मुझे जाना है, तुम नहीं जाओगी? जीजू, आप किस लिए मुझसे इस प्रकार दूर दूर जा रहे हैं? कभी तन्हाई में मेरे बारे में सोचा है क्या? मेरे प्यार में खोट नहीं है। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, मन से ही नहीं तन से भी तुम्हारा बनना चाहती हूँ। आप मेरे हो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मीनाक्षी दीदी मेरे लिए सब कुछ है, पर आप तो मेरे लिए प्यार का वो पहला नशा है जिसे खोना नहीं चाहती। मेरा विश्वास करो ना, कोई हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। देखो, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिया, नहीं, गलती को दोहराओ मत। नहीं लिया, लिया, मैंने कहा नहीं, नहीं लिया, नहीं। लिया, उठो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सर, वो वेट कर रहे हैं, आप कब आएंगे? हमीद, तुम किसी भी तरह उन्हें भेज दो। सर में दर्द है, इसलिए मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। सर, आज मीटिंग नहीं हुई तो? तुम ही कुछ ना कुछ करो, ओके? ठीक है सर। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा क्या? वो क्यों भला? मैं कुछ नहीं जानती, मगर थैंक्स। थैंक्स किस लिए? सबके लिए।
मर्द हूं, मगर सब लोग ऐसे ही हैं क्या? कोई भी नियंत्रण नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। युमेगो, मीनू के आने का टाइम हो गया। ठीक है, मैं जाती हूँ, मगर उससे पहले क्या? हाय लिया, तुम कब आई? तुम ट्यूशन में होगी इसलिए मैंने नहीं बोला। अभी तो आई। तुम्हारी मीटिंग जो थी क्या हुआ? मैंने गया, सर में दर्द है। अरे रे, चलो बाम लगा देती हूँ मैं। आंखें क्यों भर आई? सर में दर्द जो है। मैं जाऊं दीदी। क्या कहा, जाओगी तुम? अंदर भी चलो, कल संडे है ना, आंटी को मैं समझा दूंगी। चलो मीनू, उसे जाने दो ना। इसका फैसला मैं करूंगी, ये मेरी बिटिया है। आओ आओ भी, तुम्हारे जीजू ऐसी बातें करते रहेंगे। क्या सर, इसमें आपका साइन चाहिए था। आज मैंने उसे किसी तरह समझा दिया, लेकिन कल आपको जरूर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। हाँ। थैंक्स। कई दिनों से तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? थोड़ा बिजी था मैं। घर में सब कैसे हैं? ओह, सब ठीक है। तुम जाओ और कल मीटिंग कंफर्म कर देना। ओके ओके सर। चलता हूँ। ओके सुधीर, जल्दी बाहर निकलो, जुखाम हो जाएगा। An orgasm also known as a sexual climax is the most pleasurable response to the sexual stimulation. It can be physical, psychological, emotion, or a combination of this. ये मत सोचना कि मैं कुछ देख नहीं रही हूँ। आजकल खान पान के मामले में तुम बहुत पीछे रह गए हो। रात को जो 10 चपाती और 4 अंडे खाने वाले आप सुधीर, अब देखिए ना, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अब यही हाल रहा तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी देखरेख के लिए मैं जिंदा जो हूँ। इसे खाओ, जो मैं दे रही हूँ उसे पूरा खाना होगा। एक बच्चे को अभी अभी खिलाकर आई हूँ, अब दूसरा बच्चा ये है। लिया, तुम्हारे लिए ये सब नई बात होगी ना। घर में मत बोलना। ए लिया, तुमसे ही बोल रही हूँ मैं। सुधीर का रोग तुम्हें भी लग गया क्या? अरे नहीं दीदी। नहीं लगा तो ठीक है। क्या हुआ? पानी लीजिए।
जीजू, जीजू, उठो भी। ओ, ओ, क्या? आओ ना। मीना। जल्दी भी आओ। ओ, ओ, चलते हैं। कहाँ पे जा रही हो? सर बैठो। ये क्या सर, कुछ दिन से आप ऑफिस नहीं आ रहे? कंपनी का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ी है। वो मैं देख लूंगा, आने के कारण बताओ। एक दो साइन चाहिए था सर, और फिर ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, इसमें कुछ चेंज करना हो तो। सर क्या हुआ सर? पहले ऑफिस के काम पे ध्यान दो तुम, मेरे निजी मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी सर। ठीक है सर। हमीद एक मिनट। हाँ। न जाने मैंने कुछ बोल दिया, सॉरी। तुम मुझे जानते हो ना? जानता हूँ सर, मगर कुछ दिनों से आप पूरी तरह बदल गए। शायद आप किसी टेंशन में हैं, उसे ना समझने की भूल मैंने की। ओके सर। हाँ तुम जा सकती हो, पप्पू को मैं पिकअप कर लूंगा। सुधीर तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ।
छुपा रहे हो? ये क्या? इस तरह क्यों किया? तुम्हारे लिए इस दर्द में भी एक अजीब सा सुख जो है, तुम अक्सर देती रहती हो ना, सुख भरे। जानती हूँ, आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, फिर भी दर्द हो रहा होगा। दर्द तो हो रहा है, मगर भोजन रेडी है, अगर आके खा लोगे तो मैं बर्तन साफ कर लूंगी। भूख नहीं है, कल ही डॉक्टर से मिलते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ, अब सो जाओ। सुधीर, मैं कुछ कुछ समझ पा रही हूँ। क्या? तुम सजा सोच में डूबे हो और तुम्हारे मन में बहुत सारा टेंशन जो है, इस बेटर हाफ से बोले बिना इतने दिन चुप रहे ना, तुम बदल गए हो पूरी तरह से। फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ सब बदल जाएगा। सॉरी। सो जाओ, कभी मैं भी इस तरह से खामोश रहा करती थी और उससे निजात दिलाने वाले तुम ही थे सुधीर। ब्रेकफास्ट लगाऊं क्या? नहीं। हाँ, ये क्या आज फुल स्लीव शर्ट पहना है जो तुम्हें पसंद है? जस्ट फॉर अ चेंज, कुछ दिन फुल स्लीव ही पहन लेते हैं। जब हम व्यर्थ के काम करते हैं तो खुद को जल्द पहचान पाते हैं और उससे मानसिक शांति भी मिल जाती है। मेरी मीनू डार्लिंग, मैंने यूं ही मजाक कहा, सुबह सुबह इस तरह की बातें करके दिमाग खराब मत करो। पापू रेडी? आओ। बच्चों का काम देखना माँ का काम होता है, परेशान मत करो मुझे। उसे स्कूल में ड्रॉप करने से तुम्हारा क्या जाता है? ये ठीक है, बहुत क्वालिटी है। वीडियो का मजा लेने के लिए ड्यूरेशन भी चाहिए ना, इसमें 3-4 सेकंड ही है, मुझे नहीं चाहिए। देखो लिया आ रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं ना। जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे। कुछ नहीं लिया। जरा मुझे भी दिखा दो ना। क्या? मोबाइल। तुमसे किसने कहा हमारे पास मोबाइल है? किस लिए झूठ बोल रहे हो? प्लीज। तुम्हें क्या हो गया? टीचर से कहकर एक बार तुमने हमें सस्पेंड भी करा दिया, वो काफी नहीं है? सॉरी, ये बात नहीं बोलूंगी मैं। प्रॉमिस। ठीक है, तो ये लो, देख लो। तुम्हें क्या हुआ, कोई मुर्गा फंसा है क्या? ये मोबाइल ले लो, इसमें कम से कम 500 वीडियो है। मैं देखना नहीं जानती।
देखो इस तरह। हेलो मीनू, मैं ऑफिस से निकल गया। हाँ पापा को पिकअप कर लूंगा मैं। आज तुम्हें ये क्या हो गया है सुदीन? ओके सी यू। लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया होगा? लिया पप्पू स्कूल से आने वाला है, उससे पहले से बैग में रख लो। ये क्या है? एक मोबाइल फोन है, अक्सर मुझे बुलाती रहना, तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। थैंक्स, मैं तो बोलने ही वाली थी। मैंने भी कई बार सोचा खरीदने की। अरे पप्पू आ रहा है, कल मिलते हैं। ठीक है शाम को फोन करूंगा मैं। ओके मां। अरे पप्पू आओ आओ। मुझे बहुत खुशी हुई, जब मन किया तब बात कर पाऊंगी। ठंडी हवा बह रही है यहाँ, वहाँ है क्या? अरे मैं तो बाहर नहीं हूँ, रूम में हूँ। जरा खिड़की से देखो तो ठंडी हवा आ रही होगी। सो तो है, हल्की सी हवा। ठंड लग रही है तुम्हें? क्या मैं आऊं? इस हवा की शक्ति दुगनी हो गई ना। लिया बेटी, मीनाक्षी दीदी बुला रही है। मम्मी के फोन पर मीनाक्षी दीदी बात कर रही हैं, इसलिए मैं बाद में बात करती हूँ, प्लीज। जच रही है सुधीर, खामखा कुछ साल तुमने इसे नहीं पहना, अब तुम फुल स्लीव भी पहनना। क्या बात है? अरे कुछ भी नहीं। शेव नहीं किया, नहाए भी नहीं, फिर भी दिन ब दिन तुम जवान होते जा रहे हो, मन से और शरीर से भी। गुड बॉय, आओ। रुको, आज भी ब्रेकफास्ट किए बिना तुम जा रहे हो, बैठो यहाँ बैठो ना। क्लारा आंटी ने नहीं बनाया है। सुधीर तुम्हें पता है आज सुबह जल्दी उठकर तुम्हारी मनपसंद डिश बनाई है। कभी कभार मीनाक्षी का बनाया खाना भी अच्छा लगेगा, समझ गए ना? एक बात पूछूं मैं तुमसे, किस हद तक तुम मुझसे प्यार करते हो? इस तरह क्यों पूछ रही हो? बहुत दिनों से तुम नींद में मुझसे बहुत प्यार करते हो ये बोल रहे थे, इसलिए पूछा मैंने। सिर्फ सपनों में ही हूं या तुम हकीकत में भी मुझसे प्यार करते हो? अरे मैंने ये क्या? नहीं, खुशी से पूछ रही हूँ, तुम बेइंतहा प्यार करते हो ना मुझसे? पप्पू ने खा लिया क्या? हाँ वो खा लिया, रेडी है, देखो आ रहा है। रेडी। पप्पू
जानती डैडी, नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। भोजन करने की भी इच्छा नहीं है, ऑफिस भी जाता है या नहीं पता नहीं। वो इस तरह का आदमी नहीं है बेटी, और उसे तुमने कभी धोखे में नहीं रखा, फिर ऐसा क्यों? नहीं जानती डैडी, कभी कभार वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तब मैं सोचती थी कि मैं खामखा टेंशन ले रही हूँ, लेकिन बात वो नहीं है। तुम दोनों के दाम्पत्य जीवन को देखकर हम माँ बाप भी बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम दोनों की कुंडली में कोई दोष नहीं है बेटी। आखिर मामला क्या है ये केवल तुम दोनों ही जानते हो, फिर मेरे सामने अनजान क्यों बन रही है तुम लोग? क्या हुआ? कुछ भी नहीं है डैडी, उनकी आदत में कुछ बदलाव आ गए हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ। मेनो, तुम जानती हो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया है लगता है मुझे। कौन है वो? उस दिन आपने देखा ना लिया। कहीं ये तुम्हारा शक है या फिर? शक नहीं है, हकीकत है ये। मत रोना तुम, उसी के बारे में सारी रात बात करता रहता है। बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए भागता है कि उस लड़की से मुलाकात कर सके। अब हाथ में उसका नाम भी गोद दिया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे कहे मुताबिक सुधी में बहुत बदलाव देख रहा हूँ मैं। आखिर उसे हुआ क्या? छे, मैंने तुमसे बोला ना, तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। वो मेरे लिए बेटी समान थी। वो तुम्हारे लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सुधी के लिए भी हो। और उस लड़की के मन में तुम एक माँ भी नहीं हो। हर चमकीली चीज सोना नहीं है, इस बात को तुम भूलना मत बेटी। जहां तक हो सके किसी को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। डैडी क्या करूं मैं, बताइए ना। फिक्र मत करो, तुम्हें दिमाग से काम करना पड़ेगा। सुधीर या फिर उस लड़की पर इल्जाम थोपना अच्छी बात नहीं है। तुम ठंडे दिमाग से सोच के देखो। उसे यहां बुलाकर उसे बेडरूम तक जाने की अनुमति किसने दी? बोलो बेटी, धैर्य से रहो, मैं उसे समझाऊंगा। जोश में आकर हम दोनों ने अगर कुछ कहा तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सोच समझ के कांटे को हटाना पड़ेगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, यू मे प्लीज नोट। टू लाइट एलिमेंट्स ऑफ लो एनर्जी दैट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। लिया, स्टैंड अप। क्लास में फर्स्ट आने वाली छात्रा हो, दूसरे छात्राओं के लिए मिसाल हो तुम। कुछ दिनों से मैं गौर कर रही हूँ, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? तुम काल्पनिक दुनिया में हो। देख, फाइनल एग्जाम्स करीब ही हैं। क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये क्या है, उसे उठाओ। यहाँ दूसरे स्टूडेंट्स मोबाइल लेकर आते तो तुमने आकर मुझे शिकायत की थी। गेट आउट ऑफ माय क्लास। जरा रुकना, फिलहाल प्रिंसी के हवाले नहीं करूंगी मैं। उसके बाद क्या हो सकता है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। इसे ले जाओ, मेरी क्लास में मेरी अनुमति के बिना नहीं आना। यू मे गो नाउ। अचानक किससे मिलने के लिए बोल रही थी? कुछ नहीं, देखने का मन किया। आज तेरी क्लास नहीं है? आज आफ्टरनून छुट्टी है मेरी, और ऊपर से मूड आउट। गाड़ी निकालो। कहाँ चले? कहीं भी। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह मुरझाया हुआ चेहरा दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? क्यों ना हम कहीं
दूर चलते हैं जीजू। क्या हुआ, तुम्हें ये मौसम अच्छा नहीं लगता क्या? जीजू क्या मैं कुछ पूछूं? क्या है? मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या क्या बोला? मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? शादी के बाद हमेशा मैं तुम्हारे करीब रहूंगी ना। कैसी बातें कर रही हो तुम, ये काम मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इतना भी सोच नहीं सकती तुम। सोचने की हालत में नहीं हूँ मैं। बीते कल को भूल जाओ तुम। फिर क्यों मुझसे प्यार किया? एक भोली भाली लड़की को दीवानी क्यों बनाया? मैंने तुमसे कभी कहा क्या मैं तुमसे शादी कर लूंगा? तो आप मुझे चीट कर रहे थे ना, जवाब दो। क्या ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आई डोंट नो लिया। गलती पे गलती तुम दोहरा रही हो। गलती को मैं अकेली दोहरा नहीं रही हूँ ना, मैं एक मासूम हूँ इसलिए इस तरह। अरे रोना बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनो। हमसे अनजाने में ये गलती हुई। इस रिश्ते को इसी प्रकार रहने दो जिस तरह तुम कह रही हो, उस तरह मैं कर नहीं पाऊंगा। नहीं, जा रही हूँ मैं, मुझसे रिश्ता तोड़ दो। लिया, प्लीज मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। क्या तुम मुझसे दूर जा पाओगी? ऐसा मुमकिन नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। दया करके समस्या खड़ी मत करो, लोगों को इसकी खबर हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे माफ करो। लगे रहो भैया। अगर दुनिया में सब लोग प्यार करके माफी मांगेंगे तो प्यार से विश्वास उठ जाएगा। मैं जा रही हूँ। मैडम, रास्ते में सुधीर साहब से मुलाकात हुई थी। साहब जी अकेले नहीं थे। और कौन था? एक स्कूल की छोरी, और वो छोरी फफक फफक के रो रही थी, और सुधीर सर उसके हाथ पैर जोड़ रहे थे ऐसा लगा मुझे। और उस तरह की स्थिति होने के कारण बात करना उचित नहीं समझा, अनदेखा करके आ गया। कैसे लगा? मैडम जो बातें मैंने आपको बताई वो सुधीर साहब को मत बोलना। चल फूट ना। Excuse me. हमिद, सुधीर कहाँ है? मोबाइल भी नहीं उठा रहे। यहाँ नहीं है मैडम। कहाँ गए हैं वो? हमिद बैठो। मेरी बात का बुरा मत मानना मैडम, कुछ दिनों से साहब यहाँ नहीं आ रहे, और मैंने पूछा तो मुझ पे भड़क उठे। सच बताऊं तो वो आजकल ऑफिस का काम रोड या बीच पे ही करते हैं, कभी कभी तो फोन ही नहीं उठाते, मन किया तो फोन करते हैं। ये मत समझना कि मैं उनकी कंप्लेन कर रहा हूँ, और उनसे भी मत कहना। नहीं हमिद, सुधीर कुछ दिनों से तनाव में घिरा हुआ है, वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स है। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, तुम इसे सीरियस मत लेना। अच्छा मैडम। यहाँ क्यों लेटे हो? यहाँ क्यों लेटे हो तुम? फोन क्यों नहीं उठाया? देखा नहीं। ऑफिस क्यों नहीं जाते हो? जाने का मूड नहीं है। कुछ दिनों से तुम्हारा मूड ठीक नहीं, इसलिए ऑफिस नहीं जाते हो? फिर सुबह यहाँ से निकलकर कहाँ जाते हो? जहाँ मेरा मन करता है। माइंड योर बिजनेस, मुझे क्या करना है पता है? हाँ, मैं सिर्फ अपना ही काम देख रही हूँ ना, पति का कार्यभार संभालना मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं है। इससे पहले तुम ऐसे नहीं थे, फिर तुम में अचानक ऐसा बदलाव कैसे आया? सच बताओ सुधीर, ऑफिस का बहाना बनाकर तुम सुबह सुबह कहाँ जाते हो? किसी पार्क या बीच में जाकर बैठने के लिए तुम क्या पागल हो गए हो? यस, मैं पागल हूँ।
I am mad. पागल हो गए हो? वो कौन है तुम्हारा? बोलो, बोलो ना, बोलो ना। Do you think I'm just only a sex toy? मीनू, आई एम सॉरी, आज तक मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया। क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ पता नहीं। मैं नारी हूँ, एक पत्नी हूँ, मैं खुद के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। जो भी हुआ मैं जानती हूँ, सब कुछ समझने की शक्ति है मुझे। गलती मेरी थी, मगर तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने सोचा भी नहीं। शिट, कम से कम अब मेरा और मेरे बेटे का ख्याल तो आया। तुमने जो कुछ भी किया वो एक बहुत बड़ी गलती है, इसका एहसास हो गया ना तुम्हें? वो मेरे लिए बेटी समान थी, लेकिन तुमने उसके साथ ये सब कैसे किया? मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा। हाथ में उसका नाम देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारे दिल में भी उसका नाम बस गया है। मगर भूल से भी मैं तुमसे दूर नहीं गई, और उस वक्त मैं एक बेवकूफ की तरह तुम्हारे सामने खड़ी रही। तुमने ऐसा काम किया है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मगर तुमसे मैं नफरत भी नहीं करूंगी। उस बच्ची में ऐसी क्या चीज थी जो मैं तुम्हें दे नहीं सकी? प्यार या अरे रो मत बेटी। कैसे नहीं रोऊं डैडी, पता है दो दिन से फोन स्विच ऑफ है। वो कहाँ है, कैसे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता डैडी। कुछ नहीं होगा बेटी, हम दोनों को उसकी खबर हो गई सोच के उसे दुख हुआ होगा,
कुछ दिन हम दोनों से दूर रहने का इरादा किया होगा। That's all. इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता बेटी। वो वापस आएगा, मुझे उम्मीद है। हमने छानबीन करने की कोशिश की तो हमारी इज्जत चली जाएगी। जो बात हम जानते हैं वो दुनिया वाले क्यों जाने। मैंने उसे फोन किया था, घंटी बज रही थी लेकिन उठाया नहीं। हाँ, उसके आने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। तुमने उस लड़की को फोन किया क्या? उसे फोन करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ डैडी। मेरा फोन करना अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए बेचारी, कहीं जाकर जीने दीजिए। वो नहीं बेटी, तुम जरूर से मिलोगी। सुधी मिसिंग है ये मत बोलना। और फिर आखिर वहाँ क्या हुआ ये हम उसके मुंह से सुन सकते हैं ना। और उसे बात करते समय अपने आपे से बाहर मत होना तुम, किसी कारणवश उसके माँ बाप को उसकी खबर ना हो। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये तुम सही होगा, बात समझने की कोशिश करो मीनू। अरे तुम हो बेटी, काफी दिन हो गए तुमसे मिलके। बस थोड़ी सी व्यस्त थी। लिया बेटी बोल रही थी क्रिसमस में तुम सब लोगों को डिनर में जरूर बुलाऊंगी। लिया कहाँ है? कमरे में है, शायद सो रही है। कुछ दिनों से उसके सर में काफी दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाकर दवाई भी लेकर आई। मैं बुलाती हूँ? नहीं, मैं खुद जाकर मिल लेती हूँ। ठीक है। काफी दिन हो गए उससे मिलकर। अरे बेटी। हाँ। चाय लाऊं क्या? हाँ क्यों नहीं, आप जैसा चाहें। सरदर्द से राहत मिली क्या? सुधी ने बुलाया है क्या? नहीं। तुम उसे रूठी हो क्या? मैं बिल्कुल रूठी नहीं हूं। मैंने अनजाने में तुम्हें भी अपने इस जीवन में खींच कर ले आई। मैं तुम्हें अपनी मरुम बेटी समझकर ही तुमसे बातें करती थी, मगर तुम कोई बच्ची नहीं हो और काफी जवान हो गई हो। ये समझने में तुम्हारी ये दीदी भूल कर बैठी है, मुझे माफ कर देना। मगर अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूं ना। दीदी दीदी रुको रुको, दीदी रुको, दीदी ये रुको दीदी।
ना सुधीर, लेकिन तुम ऐसा मत करो सुधीर, तुम लौट कर आ जाओ। सुधीर मेरी बात सुनो ना, सीधी तरह मेरे पास आओ। बाबूजी सुधीर हूँ। हाँ बोलो बेटा। मीरू कहाँ है? ना वो घर में है ना ही ऑफिस में। देखो बहुत कुछ बातें करनी है मुझे तुमसे, मगर उसके लिए टाइम नहीं है। मीनू ने मुझे हॉस्पिटल से फोन किया। हॉस्पिटल से? आखिर क्या हुआ उसे? स्कूल में कोई एक्सीडेंट हुआ, यही बोल रही थी वो। एक जरूरी काम से मैं शहर की ओर जा रहा हूँ, कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर हो सके तो जल्द से जल्द तुम भी वहाँ चले जाना। हमारे पप्पू को क्या हुआ? पप्पू को क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देती मेरी बेटी? मेरी बेटी। कुछ भी नहीं,